नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सारा न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ सुल्ताना। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मोइनाबाद में हुए इस्मत रेजी वाकया को अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था कि और एक मासूम लड़की के साथ वही हरकत पेश आई। तफसीलात के मुताबिक खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक 13 साल मासूम लड़की को घर में काम के लिए रखकर उसके बाद उसकी इस्मत रेजी करके पेट्रोल डालकर जलाया गया, जिसके बाद उस लड़की को जेरे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। और वहीं पर टीडीपी यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर हुसैन ने उस लड़की के मां से मुलाकात की और उन्हें 10,000 रुपए की माली इमदद भी की और उन्हें दिलासा दिलाया कि हर वक्त वो उनके साथ खड़े रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सुल्तान बिन सईद की रिपोर्ट। आज उस्मानिया हॉस्पिटल प्रोफेसर जोशना मैडम के लिए महिला प्रेसिडेंट और दिल्ली होता प्रेजेंट मैं ऐसे अनवर हुसैन, मैं यहाँ पर मैडम के साथ विजिट करा हूँ। फिर एक मासूम बच्ची इन दलिंदों के हवस का शिकार हो चुकी है। ये इसमें लापरवाही तेलंगाना हुकूमत की है, तेलंगाना गवर्नमेंट की है, तेलंगाना के मिनिस्टर्स की है, तेलंगाना के होम मिनिस्टर की है। क्योंकि एक महीना नहीं गुजरा पिछले मोइनाबाद का वाकया, जो बच्ची को रेप करके जो मारे हैं, फिर उसी दिन ये दो दिन के नीचे खम्मम में ये वाकया होता है कि घर में बच्ची को काम करने रख ले के बच्ची को रेप करके पेट्रोल से जलाए। ये ऐसा ये कब तक होगा? क्या यही पब्लिक तेलंगाना बंगारू तेलंगाना यही है, या केसीआर वोट मांगने के वास्ते आवाम के बीच में जाते हैं, या केसीआर के मंत्री कहाँ गए आज? अरे बेशर्मो, तुम बाहर निकलो, निकल के देखो ये माँ किस दर्द से तड़प रही है, किस दर्द से गुजर रही है। उनके माँ बाप को देखो, इस किस तरह के रो रहे हैं यहाँ पर। इनको खाने को खाना तक नहीं है, इनकी हालत देखो। काम करके जीने वाले हैं आप, बड़े बड़े बातें करते बंगारू तेलंगाना केसीआर चेस्तारा, इदेना बंगारू तेलंगाना? नीकु सिग्गु उंडाला चेप्पने की इप्पुडु ओट्लु गुरिंची मीरु वस्तारु कदा, डोर टू डोर चप्पुलु तीसुकोनि कोट्टालारा मीकु? इदि तेलुगु देशं पार्टी तरफ नुंचि मेडम, मीकु अंडगा मेमु उंटामा, एमि इब्बंदि मीकु लेदु। मेडम कूडा मीकु चेप्पिंदि कदा, मै औरेक बाद ये कहना चाह रहा हूं, इनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तेलुगुदेशम तेलुगुयोता की तरफ से हम सब इनकी तरफ से ठहरते हैं। और महमूद अली को फिर मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ, साहब आप दावाता छोड़िए, साहब आप इनाग्रेशन छोड़िए। आपको इनाग्रेशन करने के वास्ते वोट नहीं दी पब्लिक, आपको दावत जाने के वास्ते पब्लिक नहीं जीताई आपको। आप बस्ती बस्ती जाइए, आप हर एक पुलिस स्टेशन जाइए, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट फिरिए, हर एक एसपी डीएसपी से मुलाकात करिए। क्योंकि इसमें मोइनाबाद के वाकये में चंद पॉलिटिशियन उन दलिंदे को सपोर्ट करे, आप पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए, पुलिस इनको जस्टिस दिलाएंगी हमको भरोसा है। आपके कोई पॉलिटिशियन लीडर्स भी वहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं इन दलिंदों के साथ सपोर्ट में, वैसा नहीं करते हुए बंगारू तेलंगाना तभी होता है जो गरीब का हक मिलना चाहिए, या गरीब को आगे बढ़ के साथ देना चाहिए। आज 13 साल की बच्ची के ऊपर क्या गुजरी हम देख कर आए, बच्ची दर्द से तड़प रही है, उसको पेट्रोल डाल के जिंदी बच्ची को पेट्रोल डाल के जलाया गया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मिनिस्टर कहाँ गए, महिला मिनिस्टर कहाँ हैं? अब ग्रेजुएट का इलेक्शन आ रहा, आप उसमें फिरते, आप एमएलसी के इलेक्शन में फिरेंगे, आप म्यूनसिपल इलेक्शन में फिरेंगे, कहाँ हैं केटीआर, आपकी टीम कहाँ हैं, आपके एमएलएस कहाँ हैं, आपके कॉरपोरेटर्स कहाँ हैं? इनको जस्टिस होना चाहिए, हम इनको आगे बढ़ के जस्टिस दिलाना हम तमाम अपोजिशन पार्टी का काम है। तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना कभी भी आवाम के साथ है और आवाम के हमेशा काम में आएंगी। ठीक है, ఏదన్నా మీకు అవసరమైతే